ओम ज्ञानतिमिरं तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पादष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पादष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री विश्वरूप प्रभु संन्यास ले लिया महाप्रभु के बड़े भैया, जब उन्होंने संन्यास ले लिया संसार को अनित्यता को समझ करके ये संसार नश्वर है, कोई किसका है नहीं, ये धर्मशाला का एक परिचय है और ये जीवन दुर्लभ है और ये जीवन पा करके जितने जल्दी से जल्दी हमें भगवान की भजन करे और ये भवसागर से पार हो जाए। जब संन्यास ले लिया अभी महाप्रभु का जो छोटे भैया थे कौन है श्री निमाई महाप्रभु, वो भी बड़े धुरंधर है, बड़े पंडित विद्वान हैं है? और उन्होंने बचपन में इतने विद्वता इनके अंदर में, टीचर जिसको देख करके आश्चर्य होता था, इतने बुद्धिमान हम बच्चा कभी देखा ही नहीं। एक बार जो सुनता है और दूसरे दिन उसको टीका वृत्ति को साथ में ये मेरे को सुना देता है, बल्कि जितना मेरे को पता नहीं उससे ज़्यादा इसको बताए, क्योंकि भगवान है ना। जब इनकी विद्वता को किसी ने देखा, सच्ची माँ श्री जगन्नाथ मिश्र ने देखा, लगता है ये बेटा भी घर में नहीं रहेगा, ये बेटा भी घर में नहीं रहेगा। क्यों? बड़ा बेटा तो सारे शास्त्र ग्रंथों को पढ़ करके समझ गए, सब शास्त्र में एक ही बात कहते हैं, श्रुति सिद्धांत यह उरुगारी भजिए राम सब काज विसारी। सब शास्त्र कहता है सब छोड़कर प्रभु का भजन करो, ये जीवन दुर्लभ, भगवान ये जीवन बारम्बार नहीं देते। ये बच्चा भी बड़ा विद्वान है, ये भी यही समझेगा, शास्त्र में तो यही लिखा हुआ, तभी तो गीता भागवत रामायण शास्त्र यही सब पढ़ाई हुआ करता था। मुझे लगता है ये भी
घर घर में नहीं रहेगा, बोले काम करो भैया, भले मूर्ख हो लेकिन तू घर में रहो, तू सन्यास नहीं बन जा। इसलिए मूर्ख है या घर में रहो को निमाय, भले ही मूर्ख हो लेकिन कम से कम घर में तो रहता रहेगा और हमारी सेवा तो करेगा, इसलिए तुमको पढ़ने फढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग घर में रहो और तुमको पढ़ाई फढ़ाई करने का कोई ज़रूरत नहीं। अभी महाप्रभु का पढ़ाई बंद कर दिया, जब पढ़ाई बंद कर दिया और महाप्रभु इतने दुखी हो गए, महाप्रभु हमें पढ़ने के लिए नहीं दे रहे, हमको स्कूल जाने नहीं दे रहे, बड़े दुखी हो गए, दुखी हो गए। एक दिन उन्होंने क्या किया, पहले जो रसोई हुआ करता था मिट्टी हाड़ी में, हैं मिट्टी हाड़ी में रसोई हुआ करता था, और मिट्टी हाड़ी जैसे घर में कोई शरीर छोड़ दिया, नहीं तो किसी बच्चे का जन्म हुआ उसमें अशुचि रहते ना, हैं उसको बाद में क्या करते थे, वो सारे हाड़ी को निकाल देते थे, घर में नहीं रखते थे, उसको निकाल देते थे, फिर नए हाड़ी लेते थे। अभी निकाले हार के जहाँ पर कोई अपवित्र स्थान होता है ना, वहाँ पर जहाँ पर सब घर का महिला कचरा पकड़ा फेंकते, एक दिन महाप्रभु गए और उसी हाड़ी के ऊपर बैठ गए, और जितने हाड़ी में जो काला होता है ना सब सारा शरीर में लगा दिया और वहीं पर बैठ गए। जब बैठ गए इतने में सच्ची मैया आगे, बोले बेटा ये क्या कर रहे हो, ये अपवित्र स्थान है, तो कचरा फेंका हुआ गंदा स्थान में क्यों बैठे हुए हो, हैं इधर आ जा, क्या कर दिया तुमने सारा शरीर को काला फाला पोत पात कर, सब यार इधर आ जा। इतने में महाप्रभु कहते हैं, अगर मेरे को पढ़ाई लिखाई करने नहीं दोगे फिर मेरे को पता कैसे चलेगा ये बच्चा ये बुरा है, अभी तो मेरे स्कूल जाना बंद कर दिया, अभी मैं स्कूल जाए बगैर मैं अच्छा बुरा कैसे समझूंगा, हैं इसलिए फिर महाप्रभु बड़े दत्तात्रेय भाव में उपदेश दे रहे हैं। बोले माता जी आप कह रहे हो ये अपवित्र, कहते यही भालो यही मंद यही देहक मन बुद्धि बुद्धि, कहते ये जो अच्छा ये जो बुरा है ना किसका भावना, ये मन की भावना है, यही भालो यही मंद, ये अच्छा है ये बुरा है ये मन की भावना, लेकिन तत्वतः क्या है, ये जो विश्व ब्रह्मांड विष्णुमय, विश्व ब्रह्मांड विष्णुमय भगवान, उनका नाम विष्णु, विष्णु मतलब क्या, बोले व्यापनोति इति विष्णु, जो सर्वत्र विद्यमान, हम कहते ना उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। आप बताओ जो प्रहलाद महाराज को उसको पिताजी ने पूछा तेरे भगवान कहाँ है, उन्होंने क्या बताया, बोले ये तो बताओ मेरे भगवान है नहीं कहाँ तो बताओ, मेरे को तो प्रभु की छवि सर्वत्र दिखता है। इसलिए कहते हैं जहाँ देखे जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, जो महाभागवत होते हैं वो क्या देखते हैं, जहाँ उनको आँख पड़ता है ना वो सर्वत्र प्रभु प्रभु प्रभु, प्रभु के सिवाय दुनिया में उनको और कुछ दिखती नहीं, सर्वत्र उनको प्रभुमय दिखता है, हैं ठाकुरमय दुनिया में उनको दिखता है। इसलिए जब प्रह्लाद को सर्वत्र भगवान भगवान सर्वत्र प्रभु का दर्शन मिलता था, दर्शन क्यों, महाभागवत का ये लक्षण है, सर्वत्र वो प्रभु के सिवाय दुनिया में कुछ भी नहीं दिखता है। बोले खंभे में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है प्रभु बैठे हुए है, बोले खंभे में भी तेरे भगवान, बोले और क्या मेरा तो प्रभु सर्वत्र है, पहले बोले तेरे प्रभु को पहले दिखाता हूँ तेरे को दिखाऊंगा, ओ मारे मुष्टिका खाते तो क्या हो गया, नरसिंह देव प्रकट हो गए, बोले नरसिंह भगवान की। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, बोले माँ तुम कहते हो ये अपवित्र है, अपवित्र ये मन का धर्म है, हैं ये आत्मा का थोड़ी धर्म है, जगत तो विष्णुमय जगत है। और एक बात बता, बोले माँ तू अपवित्र कैसे कहते हो, क्योंकि ये हाड़ी में क्या होता था, ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनता था ना, ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनता था, जिसे हाड़ी में ठाकुर जी के लिए प्रसाद बने, भगवान जो प्रसाद को ग्रहण करे, बोले माँ वो अपवित्र कैसे हो सकता है। अभी जितने अड़ोसी पड़ोसी के माताएँ सब इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर के तब सच्ची माँ को कह रहे हैं, बोले सच्ची हमारे जो बच्चे हैं ना, अब बच्चों का स्वभाव क्या, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, टेंशन है, हैं अभी तो बच्चे खुश हुए क्योंकि उनको पढ़ाई करना नहीं पड़ रहा है, एकदम मजा है। लेकिन बताओ जब हम लोग स्कूल में जाते थे ना बचपन में, हमारे गांव में एक गांव में पहले
एक टीचर आकर पढ़ाता, इतने मारता था, इतना पीटता था, सोच नहीं सकते थे हम तो। कभी कभी छुप जाते थे स्कूल में नहीं जाने के लिए, हैं। और कभी कभी पीरियड में, जहाँ जिस पीरियड में खूब कठिन मैथमेटिक होगा ना, उस समय बच्चे तो बहाना बना करके हम बाथरूम जा कर चले जाते थे, हैं। वो बहाना बना कर चले जाते थे बच्चे लोग। और बच्चे, कौन बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ाई तो टेंशन है ना, इसलिए दूसरे दूसरे माताएं आकर कहती थी हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बोलो तभी नहीं पढ़ता, और तेरे बच्चे पढ़ने के लिए जाना चाहता है, तेरे को ये दुर्बुद्धि किसने दिया, ये दुर्बुद्धि तुमको किसने दे दिया, बच्चा इतने पढ़ाई करता है या पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने नहीं दे रहे हो, इसलिए वो तो वहाँ पर बैठी है, तेरे को ये दुर्बुद्धि किसने दिया, इसलिए कोई चिंता मत करो, उसको पढ़ने के लिए दो। तब श्री जगन्नाथ मिश्र हैं, कोई कोई कहते हैं ना, अरे भैया लिखाई पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर ये पेट कैसे भरेगा, हैं, पेट कैसे भरेगा, काम धाम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, बोले देखो भाग्य में जो लिखा हुआ है ना, हैं, भाग्य में जो लिखा हुआ है वो ऑलरेडी लिख चुका है, ऑलरेडी लिख चुका। तब जगन्नाथ मिश्र कहते देखो सबे देखा पर बापेर बचन सुन थाई जयपुर जग, इसलिए वहाँ पर जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, कहते भैया तुमको कौन कहता है पढ़ाई लिखाई करने पर खाना पीना मिलता है। जगन्नाथ मिश्र कहते मेरे को तू देख ले, जगन्नाथ पंडित थे, विद्वान थे, मैं इतना विद्वान इतना लिखा पढ़ा हूँ, हैं, और हमारे घर में देखो इतने कहाँ खाने पीने का है, लेकिन देखो साधारण लोग कहीं इतने लिखा पढ़ा नहीं है, लेकिन आप देखना इतने बड़े बड़े बिजनेस उनकी है, अरब खरब पति है, इतना कोई लिखा पढ़ा है नहीं, हैं, बचपन से बिजनेस में लग गए, अपना बिजनेस में कितने कितने पैसा कमा देते हैं, और वो कह रहे मेरे को देख लो मैं इतने पंडित विद्वान हूँ, हमारे घर की क्या स्थिति है, वहाँ पर ब्राह्मण घर में थे ना, और जो लिखा पढ़ा कुछ नहीं जानते उन घर में देखो कितने रुपया पैसा है, कितने रुपया पैसा है, इसलिए तुम ये मत समझो लिखाई पढ़ाई करने पर ही मिलेगा, नहीं करने पर नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान यहाँ जो है ना ठाकुर जी ऑलरेडी लिख चुके हैं, तुम्हारे भाग्य में ठाकुर जो लिख दिया ना, हैं, बस हो गया। देखना एक व्यक्ति इतना लिखा पढ़ा है नहीं, लेकिन बहुत बड़े घर में जन्म हो दिया, जन्म होते ही सारे संपत्ति का मालिक तो वही है, हैं। और एक बच्चा कितना बहुत सारा लिखा पढ़ा, नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है, धंधा नहीं मिल रहा है, और एक साधारण बच्चा किसी घर में जन्म ले लिया, अरब खरबपति रूप में अरब खरबपति बन गया, इसलिए भाग्य में जो वही होता है, इसलिए ये मत समझो लिखाई पढ़ाई करने पर ही पेट पलेगा, इसलिए कोई चिंता मत कर, इसको लिखाई पढ़ने के लिए दो, उसको लिखाई पढ़ाने के लिए दो। तब महाप्रभु को लिखाई पढ़ाने के लिए भेज दिया। एक दिन महाप्रभु जब छोटे एकदम बच्चे थे, एक दिन एकादशी का दिन बड़ी जोर जोर से रो रहे थे, अब महाप्रभु को रोना बंद नहीं हो रहा था, इतने में महाप्रभु को पूछे बोले निमाई तो रो रहे हैं क्यों, क्या चाहिए तुमको बताओ। बोले वहाँ पर दो व्यक्ति है जिनका नाम हिरण्य और गोवर्धन है, इसलिए आज एकादशी है, एकादशी का दिन आज इन्होंने बहुत कुछ उन्होंने बनाया है, बहुत कुछ ठाकुर जी के लिए उन्होंने प्रसाद बनाया, इसलिए अगर मेरे प्राण रक्षा करना चाहते हो उनको घर से उनने जो बढ़िया बढ़िया अन्न व्यंजन बनाया मेरे को ला करके दो। अभी बोले भैया किसके घर में एकादशी है और उसको घर में बढ़िया बढ़िया खाना बनाया हुआ, लेकिन इसको कैसे पता चला उसको घर में बढ़िया बढ़िया खाना बनाया हुआ, और दूसरी चीज़ है किसको घर में बढ़िया बढ़िया खाना बनाया और तेरे को क्यों दोगा, हैं। बोले नहीं, अगर मेरे प्राण रखना चाहते हो उनको घर में जाओ। अभी उनको घर में गए तब उन्होंने जा कर के बोले हमारा निमाई बहुत रो रहा है, उनका रोना बंद नहीं हो रहा है, हमने जब पूछा रोना कैसे बंद होगा, उन्होंने बताया आपका घर में आज बहुत कुछ अन्न व्यंजन बना हुआ है, क्या बात सही, कहते उसको ला करके मेरे को दो। लेकिन भगवान सबका वस्तु नहीं लेते हैं, सबका वस्तु कहते हैं भक्तर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तर द्रव्य प्रभु उलट ना चाहे, कहते जो भक्त होते हैं ना वो नहीं देने पर भी भगवान उनका वस्तु को जोर जबरदस्ती खाते हैं, इसलिए महाप्रभु लीला में श्रीधर आगे आएगा, श्रीधर जी का कथा, एकदम खोला बच्चा, कला बच्चा, कला बच्चा समझ, तो केले कुछ जो बेचते हैं, हैं, और मोचा मतलब होता है
जो केले का जो फूल है बंगाल में खाते हैं, और एक थोड़ होता है, थोड़ मतलब होता है केले का पेड़ को बीच में इतने मोटे एक होता है सफ़ेद रंग का, उसको मोचा कहते हैं, हैं उसको मोचा कहते हैं, बंगाल में सब चीज़ खाते हैं और बड़ा टेस्टी भी है केले का। कभी यहाँ पर कभी मिलेगा तो बना करके आप खिलाएँ कभी, हैं अब तो कभी खाए नहीं। यहाँ वैसे केले का पेड़ इतना नहीं, बंगाल उड़ीसा में तो बहुत बारिश ही होता है ना, इसलिए बहुत पेड़ उधर है, हैं उसको उसको वो बेचता था। महाप्रभु जाते थे जा कर के ना, जोर जबरदस्ती उसको पास में लाते थे, हैं वो क्या करते थे जो श्रीधर थे, वो केला और मोचा थोड़ा बेचा करते थे, थोड़ी सी लाव भाव बेचा, लोकी लोकी बेचा करते थे। महाप्रभु जोर जबरदस्ती बोले देख हमका ये बढ़िया चीज़ देना पड़ेगा। तब कहते थे भैया तुम मेरे पास में क्यों झगड़ा कर रहे हो, यहाँ पर और भी दूसरे दूसरे दुकान है ना, वहाँ पर तो जाओ। बोले ले लेंगे तो तेरे से लेंगे, और किससे नहीं लेंगे, और बढ़िया लूँगा ऐसे घटिया नहीं, और फ्री में बिना पैसा में लूँगा, बिना पैसा में लूँगा। महाप्रभु रोज़ रोज़ जा कर के लड़ाई करते थे उसके साथ। तब वो बोलते थे देखो मैं तो इसको बेच करके आधा पैसा तो गंगा पूजा में लगा देती हूँ, आधा जो पैसा रहता है उसी से अपना परिवार पालता हूँ और थोड़ी बहुत बिजनेस करता हूँ। बोले गंगा वो तो मेरी दासी मेरे चरण से निकली, ये तो मेरी दासी मेरे चरण से निकली, उदय छोटा बच्चा होकर क्या बड़े बड़े बात करते हो, गंगा तुम्हारी दासी चरण से निकली हैं, जितने बड़े होते जा रहे हो उतना उद्धतता तुम्हारे अंदर में उदरता बढ़ते जा रहा है। गंगा कहाँ भगवान की चरणामृत हैं, ठाकुर जी की चरणामृत, लेकिन उनको तो पता नहीं यही कृष्ण ही है, राधा जी की भाव अंगांति लेकर के कृष्ण ही आए हैं। ऐसे महाप्रभु रोज नहीं चाहने पर ही देते, जोर जबरदस्त लेते थे हैं। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपना स्वरूप को प्रकाश किया धीरे 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 हैं, जब भक्तों को उन्होंने बुला बुला करके उनका सारे पूर्व चरित्र को बताए, जब श्रीधर को पता चला तो मेरे प्रभु है सचमुच से गंगा जी के चरण से ही गंगा प्रकट हुई, लौट पौट खाने लग गए। लेकिन महाप्रभु उसको पास में जोर जबरदस्ती लेते थे। बोले क्यों, बोले जो भक्त का जो वस्तु है ना, इसलिए कृष्ण गीता में कहते ना पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त उपहृत स्नामी प्रजतात्मन। भगवान कहते भक्त मेरे को भक्ति पूर्वक जो वस्तु प्रदान करता है, बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, ये जो चार चीज का भगवान ने नाम लिया है, पत्रम पत्ता है, पत्रम पुष्पम मतलब फूल, त्वयम पानी फल है, ये चीज मेरे को जो भक्ति पूर्वक, यहाँ जो मेन चीज भक्ति, भगवान और कोई चीज नहीं देखते हैं ठाकुर जी हैं। जैसे कहते कहते दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घरे खाए और सबसे ऊंची प्रेम सगाई हैं। जिस समय ठाकुर जी दुर्योधन को पास में गए, दुर्योधन क्या क्या बना करके नहीं रखा था, छापन भोग 36 व्यंजन, लेकिन त्याग दिया प्रभु। विदुर जी को घर में गए तो केले का छिलका खाए और ठाकुर जी बड़े खुश होकर खा रहे थे। इतने में विदुर जी जब आए बोले पागली क्या कर रहे हो, ठाकुर को केले का छिलका खिला रहे हो, केले फेंकते हुए जा रहे हो, वो तो भाव से विभोर होकर खिला रहे थे। इतने में उनको जब ध्यान आया बोले मैं क्या कर रहे हूँ, फिर उनने केला खिलाना शुरू किया। कृष्ण क्या कहते हैं, बोले विदुर जी मैं केला भी नहीं खाता हूँ, छिलका नहीं खाता हूँ, मैं तो प्रेम ही खाता हूँ। पहले केले का छिलका में जो स्वाद आ रहा था अभी केले में भी नहीं आ रहा है। इसलिए भगवान प्रेम की भगवान भूखे हैं। इसलिए अभी हिरण्य गोवर्धन कह रहे हैं हमारे घर में बन रहे ये निमाई को कैसे पता, जरूर ये बच्चा कोई साधारण नहीं। अरे जो भक्त होते हैं ना उनका स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति इनकी प्रेम स्वाभाविक रूप में होता है हैं। तब उन्होंने बड़ा आश्चर्य में पड़ गए, इनको कैसे पता चला हमारे घर में बन रहे, जरूर ये बच्चा कोई साधारण नहीं। उन्होंने जितने खाना बना हुआ था ना सब उन्हें निमाई के लिए भेज दिया, ले जाओ सब ले जाओ निमाई को खिला दो, क्योंकि उन्होंने जो बनाया ठाकुर जी आज साक्षात ग्रहण कर रहे हैं, जिनके लिए बनाया था ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी आज साक्षात रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हाँ यहाँ पर कहते हैं देखो जो एकादशी का दिन नियम है, एकादशी किसके लिए, हम लोगों के लिए, भगवान के लिए एकादशी व्रत ठाकुर जी के लिए नहीं। इसलिए नियम होता है एकादशी का दिन ठाकुर जी को
जो चीज़ हम लोग नहीं खाते हैं उसी दिन बढ़िया बढ़िया बना करके ठाकुर जी को देनी चाहिए। हम बद्ध जीव है, मान आज शाही पनीर हो रहा है, मटर पनीर बन रहा है, हैं बढ़िया सब्जी आज खाना बन रहा है, हम बद्ध जीव है ना, आज बहुत बढ़िया सब्जी बन रहा है, लेकिन हमारे क्या हो जाता है, भले ही बना रहे हैं ठाकुर जी के लिए, लेकिन पहले खाने का इच्छा हमारी हो जाती है, आज बढ़िया बढ़िया खाना बन रहा है, और देख देख कर बनाते यद्यपि बना रहे हैं किसके लिए, ठाकुर के लिए, लेकिन भावना क्या है, भावना क्या है, हम खाएंगे, हैं हम खाएंगे ठाकुर जी का आज, हाँ आज ये चीज़ ले आ ठाकुर जी के लिए हम कहते, लेकिन वो चीज़ नहीं, ठाकुर का नाम हो गया लेकिन अपना काम हो गया अपना का, इसीलिए क्यों बद्ध जीव है, बद्ध जीव के अंदर में कहते घ्राणार्थ अर्ध भोजन, इसका मतलब जब वो बनता है ना उसका जो खुशबू आता है, कहते जो घ्राण ले लेते हो उसमें ही आधा भोजन हो जाता है, घ्राणार्थ अर्ध भोजन, हाँ जब फिर जब ठाकुर को भोग लग जाए तो पूरा भोजन हो जाता है, पूरा भोजन हो जाता है, इसलिए नियम है, नियम बताए एकादशी का दिन क्या क्या करनी चाहिए, जो जो ठाकुर के लिए प्यारा चीज़ वो चीज़ ही अच्छे तरह से बनाओ, ठाकुर के लिए भाजी, जो चीज़ तुम नहीं खाओगे आज, जो केवल ठाकुर के लिए हो, क्यों उसी दिन क्या होगा जब ठाकुर के लिए बनाओगे ना भावना, आज हम नहीं खा सकते हैं ये चीज़ को, ये डायरेक्ट आज किसके लिए बना रहे हैं, ये ठाकुर जी के लिए, नियम है एकादशी का दिन अलग अलग तरह तरह का जिन से बनाओ ठाकुर जी के लिए, भोग लगाओ और उसको रख लो, दिन में रख लो, जो दूसरे दिन ही आएगा उसको अच्छे तरह से रख लो, और फिर दूसरे दिन जब व्रत तुम खोलोगे, सवेरे व्रत खोलते हैं ना, जब प्रसाद दाल चावल हम जो सब सब्जी खाते रोटी, उसी समय में उसको खा लेनी चाहिए, उस समय में उसको ले लो, उसको समय में, लेकिन उसी दिन ही बनाओ बढ़िया बढ़िया, उसी दिन बढ़िया बढ़िया बनानी चाहिए, नियम है एकादशी का दिन। इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया, हिरण्य गोवर्धन गोबर में महाप्रभु ने कृपा किया है, कहते यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं बोले आत्मा भी ने पुत्र बा कलत्र बंधुगण गृह है ते बाहिर करे तत्क्षण, यहाँ पर कह रहे हैं, कहते हैं जैसे जैसे ब्रज में जैसे नवद्वीप में जगत का नियम होता है, सबसे प्यारा कौन लगता है, अपना बेटा, भले ही बेटा तुम्हारी इतना सुंदर नहीं हो, लेकिन देखना माँ को अपना बेटा जितने प्यारा लगता है, भले ही पड़ोसी का बच्चा जितने सुंदर से सुंदर क्यों नहीं हो, किंतु अपना बेटे से कोई बढ़िया नहीं लगता, लगता है कभी, आप बताओ, अपना बेटा माँ को जितने अच्छे लगता है, पड़ोस में जितने सुंदर से सुंदर बच्चों देखना उतना अच्छा नहीं लगता है, जितना अपना बेटा तुमको प्यारा लगता है, हैं बेटा तुमको प्यारा लगता है। एक दिन एक राजा ने, अभी राजा को बाद में कोई है ही नहीं राजा बनने के लिए, एक दिन नाई को बोला, बोले नाई एक काम करोगे, मेरे राज्य में जो सुंदर से सुंदर बच्चा होगा देखने में उसको लेकर के आओ, तो नाई ने अपना बेटे को लेकर चला गया, हैं लेकर चला गया, बोले मैंने कहा तो सुंदर से सुंदर जो बच्चा मैं तुमको बताया था लेने के लिए, बोले आप मेरे को बताए ना सुंदर से सुंदर बच्चा, बाप को अपना बेटा जितने प्यारा लगता है दुनिया में कोई इतना प्यारा नहीं लगते, आपने बताया सुंदर से सुंदर बच्चे, मेरा बेटा से मेरे को और कोई ज़्यादा अच्छा लगता ही नहीं, इसलिए जगत का नियम है। लेकिन ब्रज में और विशेष नवद्वीप में कहते वहाँ पर क्या होता था, ऐसे नहीं होता था, ऐसे नहीं होता था, जैसे गोपियों को देखो, अपना बेटा जितना सुंदर होने पर गोपियाँ क्या करती थी, कुछ ना कुछ बहाना बना करके मैया जसोदा घर में चली जाती थी, पहले पहले का नियम था, पहले जो दिया सिलाई फिरा सिलाई कुछ नहीं होता था, जो लाइट कुछ नहीं होता था, जब किसी एक घर में आग जलती है ना, सब जाकर के उसी घर से आग ला ला करके घर में अपना रसोई बनाते थे, क्योंकि दिया सिलाई काटी पहले होता था नहीं, इतना एडवांस था नहीं, इसलिए लाते थे, इसलिए गोपियाँ क्या करती थी, कुछ ना कुछ कोई ना कुछ बहाना, अब देखना पहले क्या, जैसे तुम्हारे घर में दाल नहीं है, नमक नहीं है, हमने अपना गांव में देखा, अगर नहीं है ना जाकर फिर पड़ोसी घर से ले आते थे दाल, नमक ले आते थे उस घर में, अगर कोई चीज़ वहीं से ले आते बना देते थे, अगर उसकी घर में अगर उसके घर में कुछ नहीं हो फिर इसके घर में ले जाते थे, आज इनके घर में चावल नहीं, क्यों पहले सब गाँव के लोग मिलजुल करके रहते थे,
आज किसी कारण से आटा पीस नहीं पाए, दूसरे घर से आटा हमारे गांव में चावल ले आते थे, आटा ले आते थे, घर बनाते थे, जब उनकी ज़रूरत होता था उनको भी दे आते थे। ऐसे आदान प्रदान, पहले मित्रता आपस आपस में थी। और कभी कभी अब देखना एक पिताजी का 5-5 6-6 7-7 बच्चे होते थे, वो थोड़े थोड़े भले भले अलग हो जाते थे, होने पर भी अपना परिवार है ना, अपना परिवार के ऐसे था। इसलिए ये गोपियाँ क्या करती थी, कुछ ना कुछ बहाना बना करके कहाँ चली जाती थी, हैं मैया जसोदा घर में चली जाती थी, जा करके वो बहाना होता था, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य होता था कृष्ण को दर्शन करने के लिए। अगर कोई शिकायत करने के लिए जाती थी ना, बोले तेरे बड़ा नटखट है, आज हमारे घर में मक्खन चुराया, ऐसे किया ऐसे किया, लेकिन मैया को तो बोलेंगे ना, मैया इधर कृष्ण खड़े इधर कृष्ण खड़े, लेकिन कृष्ण को तरफ में देखते हैं और बोलते हैं मैया को, कारण क्या है? वो शिकायत करने नहीं, कृष्ण दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु निमाय को कहते, अड़ोसी पड़ोसी का जितने माताएं हैं अपना बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे महाप्रभु को। क्यों? महाप्रभु परमात्मा है, महाप्रभु आत्मा की भी जो आत्मा ये परमात्मा है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देकर कहते हैं, कहते वास्तव रूप में हम जो प्रेम करते हैं बच्चों को बा किसको, लेकिन तुम वास्तव रूप में किसको प्रेम कर रहे हो? बोला आत्मा को। बोले कैसे? जैसे हमारा बेटा है, नहीं तो पति है, नहीं तो कुछ है, नहीं तो पिताजी के। अगर जिस पिताजी को बाप इस पिता माता को हम प्यार करते हैं, अगर उसको शरीर से आत्मा चली जाए तो आप प्यार करते हो? नहीं। फिर जिसको स्नान करके छूते तो उसको छू करके स्नान करना पड़ता है, और उसको फिर हम प्रतात्मा कहते हैं, भैया जितने जल्दी जल्दी उसको निकाल, परिवार को बुलाओ और जल्दी जल्दी यहाँ से निकाल दो। बोले भैया क्यों निकाल रहे हो, वो तो शरीर पड़ा हुआ है, पहले तो तुम उसको ही प्रेम करता था, उसको ही तो प्रेम करता था, लेकिन अभी क्यों प्रेम नहीं कर रहे? बोले कारण है, उसको अंदर में वो परमात्मा रहते थे इसलिए उसको प्रेम करते थे, आत्मा रहते थे इसलिए प्रेम करते थे। जब आत्मा चली गई फिर उसको घर से, घर में कोई रखते हैं फिर उसको? नहीं, प्रेत भूत हो गया, उसको निकालो। तब यहाँ पर ये बता रहे हैं, चूंकि उसका अंदर में आत्मा है इसलिए प्रेम कर रहे हैं। कहते कृष्ण कौन है? ये परमात्मा, आत्मा की जो आत्मा है ये परमात्मा है। इसलिए कहते हैं कारण क्यों, वो अपना बच्चे रहते हुए भी कृष्ण को इतने प्यार क्यों करते थे? इसलिए यहाँ पर कहते हैं, आत्मा बिने पुत्र बा बालक बंधु गणे गृह है ते बाहर करे तत् क्षणे। आत्मा के बगैर पिता बंधु भाई क्यों नहीं, वो घर से निकाल देते हैं जो मर जाता है, लेकिन जो भगवान कृष्ण हैं सही परमात्मा ए श्री नंदन नंदन। कदी आत्मा को, जो आत्मा कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु होने का नाते जितने सब के सब नवद्वीपवासी अपना बेटे से, अपना पति से, अपना पुत्र से ज़्यादा किसको प्यार करते थे? श्री चैतन्य महाप्रभु को प्यार करते थे, महाप्रभु को प्यार करते थे। अभी कहते 10 तरह का संस्कार है। कितने तरह का संस्कार है? पहला एक संस्कार है गर्भाधान। बोले गर्भाधान मतलब क्या है? जिस दिन पेट में बच्चा आता है, हैं, इसलिए पहले नियम होता था, चैतन्य महाप्रभु का भक्तों में भी दिखाई पड़ा, इन्होंने कहते जो कवि कर्णपुर एक भक्त हुए हैं जिन्होंने आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ लिखे, जब उनको पिता माता थे ना, तो उन्होंने महाप्रभु के पास में गए, बोले प्रभु हम चाहते हैं हमारी ऐसे एक बेटा हो जो भक्त बन करके आए, भगवान की भक्ति करे, सेवा करे। हर पिता माता यही चाहते थे ना, बेटा हमारी अच्छे बने। जो महाप्रभु से प्रार्थना किया, महाप्रभु बोले काम करो, जाओ जगन्नाथ जी को प्रार्थना करो और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को दर्शन करो, उनसे दर्शन करके मांग करके जाओ। तो उन्होंने जगन्नाथ जी के पास में गए और उनसे प्रार्थना किया, मेरे गर्भ में जिस दिन गर्भ में बच्चा आता है, हैं, कहते जैसे हमारे एक भक्त जन्म हो, जिस दिन दर्शन करके गए उसी दिन ही उनकी पत्नी के गर्भ में बच्चा पहला दिन आया। चूँकि ठाकुर को दर्शन करते हुए गए, दर्शन करके गए, और एक होता है समय होता है, किस समय पर वो बच्चा गर्भ में आया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते ना काल बेला बाल बेला समय सब होता है, और अमृत योग होता है, हैं, अमृत योग होता है। इसलिए कहते अगर उसी योग में, अगर उसी समय अगर गर्भ में बच्चा आएगा ना, वो बच्चा भक्त बनता है।
अब देखना कुछ कुछ बच्चे इतने उद्दंड होते हैं, बात नहीं सुनते हैं, बचपन से ही बात नहीं सुनते हैं। अब कुछ कुछ बच्चों को देखना बड़े आज्ञाकारी है, पिता माता जो बोल देते हैं ना बच्चा उसका आज्ञा को उल्लंघन नहीं करते। धारण किया पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, ये हिरण्य के हिरण्यकश्यप क्यों बने? जिस समय में गर्भाधान हुआ उठा शंकर जी का घूमने का समय, शाम का समय था है, दीति ने जोर जबरदस्ती कश्यप जी को प्रार्थना की तो वो समय था गलत समय, इसलिए कौन हुए हिरण्य के और हिरण्यकश्यप हुए। इसलिए पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, पहला संस्कार। दूसरा संस्कार गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार मतलब गर्भ में जब बच्चे रहे, अगर माँ अगर गीता पढ़े, रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, भगवान की कथा सुने, वो संस्कार बच्चे के ऊपर सब पड़ता है। फिर बच्चा बचपन से ही प्रहलाद महाराज इतने भक्त बड़े क्यों हुए? बच्चों को यही कह रहे हैं मैं पेट मैया के पेट में रहते समय मेरे गुरु जी नारद जी उन्होंने कथा सुनाए और माँ के पेट में बैठे बैठे करके मैंने सारी कथा सुनी, इसलिए इतने बड़े विद्वान बने। उसके बाद में क्या होता है वो संस्कार, फिर उसके बाद फिर जन्म होता है। बच्चों जन्म होने के बाद यहाँ पर कहते हैं, कहते कर्ण भेद संस्कार। कर्ण भेद मतलब पहले देखना कान को छेद करते थे, कान को लड़के लोग भी हमारे उस तरह भी लड़के लोग भी छेद करते थे, उसमें कुंडल पहनते थे हैं, बच्चे लोग भी पहनते थे। कभी कभी लड़के को माता ही कभी कभी कि कुंडल फुंडल बजे लड़की जैसे बना देती थी कभी कभी हैं, इसलिए कहते कर्ण भेद संस्कार। उसका बात करें चूड़ाकरण, चूड़ाकरण मतलब होता है जो मुंडन संस्कार होता है ना, हम जब बच्चे का पहला बार मुंडन हो किसी मंदिर में लेकर के, किसी तीर्थ स्थान में लेकर के, भगवान का धाम में लेकर के, कभी कभी बच्चे लोग पिता माताएं भी कहती अगर हमारी बेटा होगा तो ये बेटे को हम अमुक स्थान पर लेकर उसका मुंडन करेंगे, बोलते हैं ना, इसको कहते ये चूड़ाकरण संस्कार है। इसलिए कहते सबके सब ये संस्कार है। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु को भी इन्होंने ये सारे संस्कार एक एक करे बच्चों के ऊपर में संस्कार करवाए करते थे। फिर विद्या आरंभ संस्कार, हमारे देश में जब बच्चा पहले पढ़ने के लिए जाता था हैं, उसको अच्छा दिन देख करके किसी टीचर के पास में ले जाते थे, सबसे पहले क्या लिखवाते थे जानते हो? क्या लिखवाते थे हमारे देश में जब जाएंगे, पहले स्लेट होता था, स्लेट होता था उसको ऊपर में तीन ऐसे गोल करते थे, बोले ब्रह्मा विष्णु और महेश। सबसे पहले बच्चे को जिस दिन उसके हाथ में पेंसिल देते थे ब्रह्मा ऐसे गोल करके, फिर विष्णु, फिर महेश, नहीं तो ओम हैं, सबसे पहले जब आरंभ करते थे ओम से, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश से, ये पहला ये काम कराया करते थे। इसलिए महाप्रभु को ये सारे एक एक करके सारे महाप्रभु, तब बच्चे जा करके ये सब संस्कार करते थे। इसलिए बच्चे देखना पहले बड़े पिता माता के भक्त होते थे, सेवा करते थे, लेकिन अब ये सब चीज़ें खत्म हो रही हैं, ये वेस्टर्न कल्चर आकर ख़त्म हो रहा है। जितने ख़त्म हो रहा है ना उतना उत्पटांग हो रहा है, उतना ही बच्चे उद्दंड हो रहे हैं हैं, उतने बच्चे सब गड़बड़ी कर रहे हैं, फिर टीवी स्मार्टफोन उल्टा सीधा आकर के, फिर उल्टा पुल्टा सब संस्कार हमारे बच्चों के ऊपर में, उल्टा पुल्टा संस्कार। कहते महाप्रभु को ये सारे संस्कार हैं, सारे संस्कार ये करते थे, संस्कार है। फिर महाप्रभु हम जो पहले सुना था उसको बाद में, फिर महाप्रभु को फिर रुचि परीक्षा किया है, रुचि परीक्षा मतलब बच्चे भविष्य में बढ़ेगा क्या क्या बनेगा, इसलिए महाप्रभु जा करके श्रीमद् भागवत का आलिंगन करते हुए उन्होंने क्या जीवन में सीखा, उन्हें क्या पता चला जगत में ये बच्चा एक दिन ये भागवत का जो शुद्ध भक्ति सबई पुंसा पर धर्म जत भक्ति अध्यक्ष सजे अहैतु की अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धति। आत्मा को तभी शांति आत्मा को मिलेगी कब, बोले सबई पुंसा परो धर्म, जीव का यही सबसे श्रेष्ठ धर्म, बोले क्या, बोले जत्तो भक्ति अध्यक्ष सजे, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म जब ये भगवान को भक्ति करे, भगवान को भक्ति करे। भक्ति कैसे करनी चाहिए, अहैतु की बगैर कामना वासना के, और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, जैसे किसी जैसे शहद को डाल दो ना, जैसे एक धागा बन जाती है, भक्ति हमारी एकदम निरंतर जमयी भक्ति होनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु को बोले बचपन में महाप्रभु को ये सारे संस्कार करवाया गया, फिर सारे संस्कार करने के बाद
अभी सोच रहे हैं महाप्रभु को क्या करे, महाप्रभु को शादी करवाए हैं। उसके बाद में फिर शादी का समय आता है, फिर क्या होता है, फिर हम लोग कल सुनेंगे महाप्रभु कैसे लीला कर रहे हैं बच्चों के साथ में। ठीक है, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, हिताय गौर प्रेमानंदे हरि, वंचाकुल दुर्भस्य कृपा वैष्णव हो न दग्ध जीव कुल उधार कारणी, करुणा वारी द कृपा वारी दानी, बंदे श्री गुरु चरण कमल नित गीत बाज श्रीहरि कीर्तनी, रहे नमजन महामसमणि रोमांच संपासु हाय गौर प्रेमी, बंद श्री गुरु चरण कमल सदा जीनी, विग्रह सेवनी श्रृंगार दिया मंदिर मार्जनी, करेन निजुक्त अनुगत जनी, बंद श्री गुरु चरण कमल सर्वसु चलेगा प्यार समय, प्रसाद न कृष्ण अति स्वादु है, भक्त स्वादनी निज तृप्त रहे, बंद श्री गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला आस्वादनी, लोब्ध चितजिनी हन प्रतीक्षणी, बंदी श्री गुरु चरण कमल ब्रज जोग द्वंद रति संवर्धनी, युक्ति कर सखी सन वृंदावनी, अति दक्षताए प्रियतम गनी, बंदी श्री गुरु चरण कमल ब्रज योग द्वंद रति संवर्धनी, ज्योति कर सखी सन वृंदावनी, अति दक्षताए प्रियतम गनी, बंदी श्री गुरु चरण कमल सर्वदा श्री गाए श्रीहरि स्वरूप भक्तगण भावे से अनुरूप, किंतु जिनि प्रभु प्रियतम रूप, बंदी श्री गुरु चरण कमल दुहार प्रसाद कृष्ण कृपा पाई, जरा प्रसादे अन्न गति नाई, त्रिसंध्या कीर्तिरा तब जानी भाई, बंदी श्री गुरु चरण कमल गुरुदेवाष्टक अति जत्न करी, ब्राह्मी मूर्ति परे उच्च करी, वृंदावन नाथ साक्षात श्री हरि सेवा पाए, से वस्तु से भी बंदी से ही गुरु चरण कमल गुरु चरण, जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। कृष्णा वृंदावन वासी वैष्णवेर प्रथम वंदना करी कवर चरण महाप्रभु
कौरा देश थे कवर चरण बंद करिया प्रणति ब्रह्मांड करिते हरे जनी जाने बेदौरण देखियो पाया
क्या जाले
गेला नगर प्राजे थई बाजल खोल घन घन तहे झांझर रो आ प्रेम ढला ढला सोना रंग बुरा चरण नूपुर बाजे मुकुंद माधव जादव हरि बोल रे बदन भरे मिछ निद्रा बसे गेल रे राते दिवस शरीर साजे कर भावना के हे बिना भजले यशोदा सुत आचर में परिवे सतपना हैले अस्त दीन गेला बोली हई व्यवस्था तब के नैबे आलस होए ना भजन दया राजे जतने तुम्हें थक अपना काजे कृष्ण नाम सुधा करिया पार जुड़ाओ भक्ति विनोद प्रा अरे नाम बिना के छो नाही तो कल्याण साधन का जगते आते मधुर अविद्या तिमिर तपन रूपे जिवे रीत गगने भी राजे।
सब ब्रह्मा मर पति धरणी तारचित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पत गामी भाव तुम्हें वेणु सिरसि सिकेपि संकट काटे दुःखुलं नेत्रान्ते साचरिका साक्षा विदधते सदा श्रीमद्वृंदावन बसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे मोऽम्बुदतीरे कनकरुचिरे लीला सितारे वचन प्रसादांत सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसरादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे कृपा पारावार सजल दलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम सुरदमल पंखे रुहमुख सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगणसेका गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे रथारूढ़ गच्छ पथि मिलिता वो देव पटालय स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपदमु पाकर्ण सदाय दया सिंधुर्बंधो सकल जगता सिंधु सुताया जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे परम ब्रह्म पीड़ा कुबलय दालो फूल नयोन निवासी नीलाद्रौ नीत चरण नंत शिरासी रसानंद राधा सरस बहुरा लिंगन सुख जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे नवयच राजम नच कण कामा नेक विभव नजचरम सकल जन काम्यांबर बाधो सदा काले काले प्रमत पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे हरतम संसार दुखतर संसार ससुर पते हरतम पापानां विततिम पर जादव पते आओ दीननाथ नीत चरण निश्चित मीदम जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे जगन्नाथ कतम उन्नत्य प्रचेत प्रयत सूचि सर्व पाप भीषो आत्मा विष्णु लोकं सगच्छति जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा विजय सुदर्शना जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा विजय सुदर्शना नमामि स्वर सचिदानंद रूप लासत कुंडला गोकुल ब्राजमान यशोदा बिया लोका लाभ गावमान परामृत माचा तथा द्रोत गोचा आना
करम भोज जोग मेरा सातन कने Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 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 Hare Krishna, Krishna
हरी बोल।